Hello, good morning to everyone, dear students, dear viewers. आज हम बात करेंगे आवेश के गुण, properties of charge. पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, और आज हम देखेंगे कि चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है. तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए. तो हम आज देखते हैं आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अच्छा, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं था देखने वगैरह में ठीक हो. तो सबसे पहला अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो कहता है कि चार्ज तो बिना द्रव्यमान का पैदा हो ही नहीं सकता, यानी कि चार्ज उसी वस्तु पर डेवलप हो सकता है जिसमें द्रव्यमान है. विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी. और वैसे भी बिना द्रव्यमान का कोई बॉडी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इस वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं होगा. और इस वजह से रेस्ट प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि रेस्ट प्रोटॉन का मास डिफाइंड नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है. तो इन द सेंस पहला अगर हम बात करें बिना द्रव्यमान के आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है. रेस्ट प्रोटॉन पर चार्ज जीरो होता है. दूसरा अगर बात करें कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है. आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है. कहने का मतलब ये हुआ, हम मास को भी इसलिए इसमें इंक्लूड कर लिए हैं कि थोड़ा सा कॉम्पिटेटिवली अगर हम स्टडी करते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा. वेग आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है. दैट मीन्स चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, जबकि मास वेग पर निर्भर करता है, यानी मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. इसका मतलब ये हो गया कि मास जो है वेलोसिटी के वेरिएशन के कारण बदलेगा, लेकिन चार्ज वेलोसिटी के वेरिएशन के कारण नहीं बदलेगा. वह कैसे पता चलेगा, ये कैसे हम मान लें? तो आइंस्टीन साहब ने क्या इक्वेशन दिया. उन्होंने दिया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एक इक्वेशन उन्होंने दिया m = m naught / √1 - v² / c². ये फॉर्मूला ये इस बात का संकेत देता है कि हमारा मास जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. यदि वेलोसिटी चेंज करेगा तो मास भी चेंज करेगा. कैसे हम माने, कैसे हम इसको देखें, इस टर्म में क्या क्या चीजें हैं, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा. वेयर, जहाँ m क्या है, तो m है आपका वेलोसिटिकल मास. दैट मीन्स इसको बोलते हैं गतिक द्रव्यमान. m नोट क्या है, वह रेस्ट मास, स्थिर द्रव्यमान. और अगला है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी वस्तु का वेग. और अगर बात करें c की, तो c इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट जो लगभग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये हम देखना चाहते हैं कि ये टर्म्स जो हम लिखे हैं वो है क्या, उसको थोड़ा सा जान लीजिए। m वेलोसिटिकल मास का मतलब हो गया कि अगर ये पेन है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 2 kg है, और इसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कुछ खास वेलोसिटी गेन करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी हम इसको वेलोसिटी देंगे वो हमारा वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी के दौरान जो इसका मास होगा उसको हम बोलेंगे वेलोसिटिकल मास, यानी गति के दौरान जो द्रव्यमान होगा उसको हम बोलेंगे गतिक द्रव्यमान। तो m हो गया ये, m नोट बराबर रेस्ट मास। रेस्ट मास हम लोगों का कभी नहीं बदलता है, जो हमारा अर्थ पर है मास वही रहेगा कहीं भी। दैट मीन्स जब हम रेस्ट में हैं उस समय जो हमारा द्रव्यमान आया उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। स्थिर द्रव्यमान भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इस वस्तु को 2 kg के वस्तु को हम किस वेग से वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं वो वेलोसिटी है ये वस्तु का वेग, और सी इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग, और ये होता है लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि स्पीड ऑफ लाइट कहीं कहीं रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और दुनिया का कोई भी पार्टिकल, कोई भी तरंग है, उसके पास 2 गुण होता है, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये 2 चीज़ें होती है, हम लोगों के पास भी एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर बोले तो यूं सीधा चले, तो सीधा चले तो उसको वेलोसिटी बोल दिए, और वेव के फॉर्म में चले यूं, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा स्पीड से रिलेटेड। इसका मतलब स्पीड लिखा पड़े वेलोसिटी लिखा पड़े, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हम लेके चलते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप कुछ डाटा ले करके जब आप इस समीकरण में डालते हैं तो ये पता चलता है कि अगर 50 kg के द्रव्यमान को हम कुछ वेलोसिटी देते हैं तो उसका द्रव्यमान 50 kg से कुछ बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर अगर आवेश कुछ डाल दे और उसको वेलोसिटी दे दे तो आवेश का मान बदलने वाला नहीं है, ना घटने वाला ना बढ़ने वाला है। इसीलिए कहा गया कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, और ये समीकरण आइंस्टीन बाबा के द्वारा दिया गया। तीसरा बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको लें तो कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि हम आवेश के गति का 3 स्थिति लेते हैं। दैट मीन्स एक चार्ज हम ऐसा लेते हैं जो कि रेस्ट में है, इसको हम बोल रहे हैं रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज है ये। अब रेस्ट चार्ज है तो कहता है कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और याद रखना दुनिया का कोई भी वस्तु अगर 0 है वेलोसिटी उसका, उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, मतलब त्वरण 0 होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, क्योंकि वेग का परिभाषा होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरा हम लेते हैं एक ऐसा चार्ज लेते हैं जो मोशन में तो है, गति में तो है, लेकिन इसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो त्वरण इसका हो जाता है 0, यानी एक्सेलरेशन हो गया 0। हम ये बात कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का, मतलब अगर कोई वस्तु है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 5 से ही जा रहा है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 10 से ही जा रहा है, मतलब ना तो उसका वेग बढ़ रहा है ना तो वेग घट रहा है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। और हमारा परिभाषा होता है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, इसका मतलब है कि वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब त्वरण 0 है, तो इसमें भी 0 और इसमें भी 0। अब बात करते हैं तीसरा, एक चार्ज ऐसा है जो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब वेलोसिटी परिवर्तित कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, मतलब अब एक्सेलरेशन होगा। इसको आप बोल सकते हैं ऐसे आवेश को हम बोल सकते हैं त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश। अब ये 3 चार्ज के मोशन की स्थिति को हमने देखा, अब ये बड़ा गुल खिलाता है तीनों मिलकर के, एक नया चीज देता है, कहता है कि अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु है, इस पर चार्ज है, अगर ये स्थिर है ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और ये केवल और केवल विद्युत क्षेत्र डेवलप करता है, इसका मतलब है ये वॉन्ली कौन क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वॉन्ली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से नोट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है।
उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे के लिए, तो ये हमारा उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से, चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों उत्पन्न करता है कौन, कांस्टेंट गति से जो गतिशील आवेश होगा वह उत्पन्न करेगा दोनों। दूसरा बात करते हैं, जब आवेश त्वरित हो, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो चार्ज होगा वह तीन चीज उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और उस दोनों से मिलकर एक तरंग उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारा उत्पन्न करता है ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड ईएम वेव, तो ये उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम देखे चार्ज का मौसम में किस तरह से मौसम है तो किस तरह से ये डेवलप करता है। इस पर कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो, सेंट्रल बोर्ड में हो, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, इस रिलेटेड पूछता है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब अगला बात करते हैं चौथा। चौथा कहता है कि आवेश जो है वह बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। दैट मीन्स आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। बीजगणितीय योग नियम क्या है? तो जैसे आप न्यूटन का सवाल हल करते हैं, +2 + 2 इज इक्वल टू +4, -3 - 3 इज इक्वल टू -6, मतलब माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ++ के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन इत्तफाक से अगर -10 + 5 हो तो उसको आप देखते हैं -5, मतलब जो ज़्यादा है उसका चिन्ह प्लस, जितना ज़्यादा है वो अमाउंट डिजिट। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, पाँचवा का अगर बात करते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करते हैं। अब ये क्या है क्वांटमीकरण, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, इसको हम आगे बताएंगे। जस्ट आगे छठा में अगर बात करें, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हैं। अब इसको भी अंडरलाइन करके हम छोड़ देते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है, आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। अब हम इससे जुड़ा हुआ कुछ नोट्स देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। जब चार्ज डेवलप होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव कोई चार्ज हो जाता है तो उसके मास पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग पॉइंट आउट करके अपना याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट देखते हैं। ये बेसिकली आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। अब हम देखेंगे नोट। नोट में अगर हम बात करें, फर्स्ट कहता है कि अगर दो वस्तु है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिससे निकलेगा वह धनावेश का, जिस पर जाएगा वह ऋणावेश। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो वस्तुओं का जिक्र करें और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया इधर हो, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन कुछ तो मास लेकर के वहाँ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रैक्टिकली अगर बात करें, मास होता है 9.11 × 10⁻³⁰ kg। भले ही वह बहुत कम है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में या अदर एटम के रेस्पेक्ट में, बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन कुछ तो प्रैक्टिकली है। तो इसका मतलब ये जब ट्रांसफर हुआ है
तो इसका मतलब कुछ मास लेकर के गया, इसका मास सामान्य से घट जाएगा और इसका मास सामान्य से बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स सामान्य धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान सामान्य से घट जाता है और इनावेशित वस्तु का द्रव्यमान सामान्य से बढ़ जाता है, ऐसा हम लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा अगर बात करते हैं, कहता है कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम चार्ज कितना हो सकता है, किसी भी वस्तु पर न्यूनतम चार्ज कितना हो सकता है, तो कहता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, चाहे वो प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो। और वो मैग्नीट्यूड कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये मिनिमम चार्ज है, इससे हो ही नहीं सकता है ज़्यादा, कम हो ही नहीं सकता, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, पॉसिबल चार्ज। इसको हम लोग एक इकाई आवेश भी बोलते हैं, एक इकाई आवेश, एक इकाई आवेश। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्वांटम आवेश भी इसको बोलते हैं, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो माइनस में और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वह प्लस में। तीसरा अगर हम बात करें, कहता है कि इसका एक बड़ा चार्ज का जो गुण होता है उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी सुचालक वस्तुएं हैं उसके सरफेस पर ये पाया जाता है, और जबकि कुचालक वस्तुएं उसके मटेरियल में भी रह सकता है और सरफेस पे भी रह सकता है। इसका मतलब ये है कि कुचालक अगर है तो उसके मटेरियल में रह सकता है, मटेरियल में रह सकता है और सतह पे भी रह सकता है, और यदि सुचालक है तो इसका मतलब है कि ये इसके सिर्फ सतह पर रहेगा, सिर्फ सतह, ओनली ऑन सरफेस, ओनली सरफेस पर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें। अब इसके अलावे अगर हम बात करना चाहें, चौथा अगर पॉइंट्स अगर हम लिखना चाहें, तो कहता है कि जब हमारा चार्ज किसी पे आ जाता है तो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की क्या मतलब भूमिका है। तो हम ये बात करते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि तीन वस्तु का हम जिक्र करते हैं, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव है, ये मान लीजिए निगेटिव है, और ये मान लीजिए न्यूट्रल है। तो कहता है कि पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो। और याद रखना है किसी भी न्यूट्रल एटम हो चाहे न्यूट्रल वस्तु हो, उसमें जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसका मतलब यह है कि अगर ये प्लस हुआ है, इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और जो निगेटिव हुआ होगा उसको दिया है। इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव पार्टिकल अगर है तो उसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर बात करें निगेटिव पार्टिकल अगर है, इसमें हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदर वर्ड्स में भी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। दूसरी तरफ अगर न्यूट्रल उदासीन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बात इसका ये उभर कर सामने आ रहा है कि हम लोग एक इकाई चार्ज को एक क्वांटम आवेश कहते हैं और इससे मिनिमम चार्ज हो ही नहीं सकता। और इसी के आधार पर अगला जो हम बताने जा रहे हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, ये यहीं से पैदा हुआ कि क्वांटमीकरण सिद्धांत है क्या। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, फिर अगला एपिसोड देखेंगे कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।